Hello, students. Welcome to Easy Biology Tutorials. Today, we are going to start with the new chapter that is the biotechnology and its applications. So, students, as you know, that in the last class we had completed the biotechnology, its principles and processes. We have seen the basic recombinant DNA technologies. Now, we are going to start with the biotechnological applications, the applications of biotechnology. स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास के अंदर बहुत सारे फील्ड डिस्कस कर लिए थे जिसमें बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को यूज किया जाता है नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ बायो बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर तो देर आर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर द्री ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के हमारे पास तीन तरीके कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर देन नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर देन द जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऑफ द जी are the plants, bacteria, fungi, and animals whose genes are altered by manipulation? we are just manipulating, we are just altering, we are just changing the genes of the organism. we are manipulating them. and these organisms are known as the genetically modified organisms. what are the applications of these genetically modified organisms in the agriculture? We are having that. It makes the crop more tolerant to abiotic stresses, that is, cold, drought, salt, heat, etc. Next, the pest resistant crops reduce the use of chemical pesticides. Third, it helps to reduce the post harvest losses. Fourth, इट इनक्रीजेज द एफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स इट प्रिवेंट्स द अर्ली एग्जॉशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी सो वैसे तो ये पॉइंट्स जो है बहुत ही ज्यादा ईजी हैं देर इज नथिंग डिफिकल्ट नथिंग कॉम्प्लीकेटेड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इट मेक्स द्रॉप टॉलरेंट टू ए बायोटिकॉट हीट है सॉल्ट है कोई भी कंडीशन है उसको प्लांट जो है वो अच्छे से टॉलरेट कर पाएगा अगर उसके अंदर ऐसे जीन्स होंगे जो क्या कर सकते हैं ऐसे इन्वायरमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं नेक्स्ट इज कि वो इंसेक्ट अटैकिंग पेस्ट से क्या कर लेगा खुद को रेजिस्टेंट बना लेगा थर्ड इज कि अगर हार्वेस्टिंग के अंदर कोई भी काइंड के लॉसेज हो रहे हैं हमें तो उसको भी प्लांट क्या कर लेगा अडैप्ट करेगा क्यों क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम पे हम आ, उसका जो ग्रोथ का पैटर्न होगा फ्रूटिंग का सीडिंग का ऐसा पैटर्न होगा जिसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत ज्यादा कम होंगे नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी यूसेज बाय प्लांट्स कि uh, जितने भी सॉल के अंदर मिनरल्स हैं उसको प्लांट क्या है एफिशिएंटली यूज कर पा रहा है नेक्स्ट इज इट द द न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जो है वो फूड की इंक्रीज हो रही है वी कैन इंक्रीज दैट बाय जेनेटिकली मॉडिफाइंग द क्रॉप फॉर एग्जाम्पल द गोल्डन एलगी सॉरी द गोल्डन राइस गोल्डन राइस वॉज अ राइस दैट इज रिच इन विटामिन ए and due to that it is having a golden color then genetically modified is used to create tailor made plants to supply alternative resources such as starch fuels pharmaceuticals etc to industries to so, jo biotic hamare paas animals hai ya plants hai jo bhi uh, kya kar sakte hain hamare liye किसी भी type की antibiotic, या anti medicine, कुछ ऐसी medicine वगैरह बना सकते हैं तो उसमें भी क्या होता है हमारा

केमिकल्स बट अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड है एंड जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम उसके जीन्स में ही कुछ ऐसी ऑल्टरेशन कर रहे हैं जिससे वो इंसेक्ट्स को एंड पेस्ट को रेजिस्ट कर पा रहा है तो उस काइंड की जो चीज है उसको हम क्या बोलेंगे बायोपेस्टिसाइड और कोई पेस्टिसाइड्स लाइक केमिकल्स वगैरह नहीं यूज हुए हैं उसके ऊपर तो इसके लिए वो फायदेमंद भी हो जाते हैं हमारे लिए इट रिड्यूस द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स फॉर एग्जाम्पल द बीटी कॉटन द बीटी कॉर्न द राइस टोमैटो पटेटो सोयाबीन एक्सेट्रा सो वी आर हैविंग दीज थिंग्स डेट आर हेल्पफुल फॉर अर्स Next is the pest resistant plants, that is BT cotton. Some strains of Bacillus thuringiensis have proteins that kills insects like Cleopaterans, Leptidopaterans, and dipterans. Bacillus thuringiensis forms a toxic insecticidal protein that is BT toxin, BT toxin crystal, during a particular phase of their growth it does not kill the bacillus as it exists in inactive in prototoxins students we are having some genes. Okay? Uh, some strains have naturally hi, insecticides ko kya kar sakte hain? they are resistant so we can use these strains जैसे हमारे पास दैट इज मेकिंग अ टॉक्सिन दैट इज किलिंग अवर बैसिलस दैट इनएक्टिवेट द प्रोटोटॉक्सिन नेक्स्ट है स्पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट

होता क्या है स्टूडेंट्स जो कैटर पिल्लर है बेसिकली कैटर पिल्लर गोज इन टू द बॉल कॉटन बॉल के अंदर जब वो जाता है एंड इट ट्राइज टू ईट अप द कॉटन बॉल तो क्या होता है उसके गट के अंदर जाके वो क्या जाता हो जाता है एक्टिवेट हो जाता है द टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ द मिड गट एपिथिलियल सेल्स एंड क्रिएट्स द पोर्स पोर्स मीन इट इट इज क्रिएटिंग द परफोरेशन इन द सेल्स

most of the bt toxins are insect group specific the toxin is coded by a gene crylac named cry example proteins encoded by genes crylac and crylac cry that is cryl ac and cryl ab control the cotton ball worm that of cryl ab control the corn borer तो ये जो हमारे पास जीन्स है स्टूडेंट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब हमने ये वाले जीन्स को अल्टर कर दिया ठीक है क्राइलैक ए एंड क्राइलैक सॉरी क्राइलैक सी एंड क्राइलैक बी वो क्या कर रहे हैं दे आर फंक्शनिंग एज कंट्रोलिंग द बॉल वॉर्म्स एंड कॉर्न बोरर कोई भी अगर कॉन को बोर कर रहा है यहाँ पे यहाँ पे बोर करके बोरिंग करके अंदर जा रहा है या फिर कोई वॉर्म है जो इसके ऊपर अटैक कर रहा है सो वी आर प्रिवेंटिंग हाउ वी आर प्रिवेंटिंग नेक्स्ट इजिटोड रेजिस्टेंट इन टोबैको प्लांट्स तो टोबैको प्लांट्स के ऊपर स्टूडेंट्स अमिटोड नेम्ड मिलियो डाइन इज इनफेक्टिंग द रूट्स जो टोबैको प्लांट्स की रूट्स हैं वो इन्फेक्ट हो रही हैं बाय अ निमेटोड निमेटोड मींस निमेट जो हमारे पास होता है एंड इसको हम कैसे आरएनए इंटरफेरेंस के टेक्निक से हम इसको uh, प्रिवेंट कर सकते हैं तो आरएनए इंटरफेरेंस इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन ऑल द दूकोर इट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए साइलेंसिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल तो आरएनए साइलेंसिंग का मतलब क्या है कि हम आरएनए को क्या को क्या करें साइलेंस करें जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है प्रोटीन की फॉर्मेशन ही नहीं कर पा रहा प्रोटीन अगर नहीं फॉर्म हो रहा तो हमारा जो जीन है वो ही एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा सो द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आर एन एज स्ट्रॉम एंड इन्फेक्शन बाय आर एन ए वायरस और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स दैट इज ट्रांसपोजोन्स दैट रेप्लीकेट वी एंड आर एन ए इंटरमीडिएट तो हमारी जो आर एन ए की जो हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस इंफेक्शन आर एन ए वायरसेस के थ्रू ठीक है तो वो आर एन ए इंटरमीडिएट के थ्रू क्या कर रहे हैं खुद को रेप्लीकेट कर रहे हैं यूजिंग द बैक्टीरियम वैक्टर्स न्यूमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इज इंटर इंट्रोड्यूस इन टू द होस्ट प्लांट it produces both sense and antisense rna in the, uh, in the host cells these rnas are complementary so they form a double stranded dna rna and it initiates the rnai silence the specific mrna of the nematode so agar a nematode attack karta hai, the parasite the nematode cannot survive in the transgenic host expressing specific interfering rna स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको जीने के लिए प्रोटीन चाहिए अगर हमारा कोई भी जीन सपोज करो कि अगर मेरे अंदर जो स्टमक सेल्स हैं स्टमक सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो आरएनए एंड प्रोटीन नहीं बना पा रहा तो मेरे वो वह स्टमक सेल्स क्या हो जाएंगे मर जाएंगे अगर प्रोटीन नहीं बन रहा तो मेरे स्टमक सेल्स ना ही म्यूकस से क्रीट कर पाएंगे और ना ही गैस्ट्रिक जूस से क्रीट कर पाएंगे ना ही वो चर्निंग कर पाएंगे सो इन दिस वे द स्टमक सेल्स विल डायवेंचुअली अगर धीरे धीरे करके सारे मरने शुरू हो गए तो इवेंचुअली uh, uh, क्या हो सकती है इंटरफेरेंस so, कर दी तो उसके आर एन ए है वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहे सो इट इज जस्ट लाइक आर एन आर एन ए इज नॉट एक्सप्रेसिंग इट्स प्रोटीन तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो फेल हो गया एंड इट इज इवेंचुअली डाइंग तो अटैक करने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है उसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट पार्ट इज़ ऑफ़ द बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थे ड्रग्स The products from non-human sources induce unwanted immunological responses, but recombinant therapeutics does not have such problems. At present about 30 recombinant therapeutics have been approved. Of these 12 are being marketed in India. So my uh, we are having approximately we are having approximately 30 therapeutics recombinant therapeutics and about, uh, out of these, 12 are being marketed in india. so how are we uh, making up these medicines? let us see the, uh, their example. first of all, we are having the genetically engineered insulin. insulin ki production hai hum with the help of the bacterias. then we are having the gene therapy. and at last, we are having the molecular diagnosis. first of all, genetically engineered insulin.

प्रो इंिन दैट इज इनएक्टिवेट इंसुलिन जो हमारे अंदर सिक्रीट हो रहा है और अगर इसको फंक्शन करना है इट नीड टू बिकम मेचर एंड फंक्शनल द प्रो हार्मोन कंटेन एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल द सी पेप्टाइड तो प्रो हॉर्मोन के अंदर क्या है स्टूडेंट एक सी पेप्टाइड होता है एंड सी पेप्टाइड क्या करता है जब एक्टिवेशन हो रही है तो हम सी पेप्टाइड को क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं तो ये तो हो गया हमारे पास एक टेक्निक से हमने इंसुलिन की फंक्शनिंग को समझ लिया इंसुलिन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सिक्रेटेड इन द इनएक्टिवेटेड फॉर्म इनएक्टिवेटेड से हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं बाय रिमूविंग द सी पेप्टाइड

किया जिनके पास ह्यूमन इंसुलिन से बिल्कुल करता हुआ जीन था प्लाज्मिन जीन एंड देन देवर लिंक्ड बाय द डायसल्फाइड बॉन्ड विद दिल्प ऑफ दू टू मेक इट द रियल इंसुलिन

first clinical gene therapy was done in 1990 to a 4 year old girl with adenosine deaminase ada deficiency it is caused due to deletion of the gene adeno, adenosine deaminase the enzyme for immune system to function treatment by bone marrow transplantation or enzyme replace therapy is not completely curative तो ये जो एडीए का एंजाइम का जो कमी था वो किसी भी तरीके से पूरा नहीं हो सकता जीन थेरेपी कैसे की गई कलेक्ट द लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड एंड ग्रो इन अ कल्चर इंट्रोड्यूस एडीए सी डी एन ए इन टू द लिम्फोसाइट्स यूजिंग अ रेट्रोवाइरल वैक्टर एंड देन दे आर रिटर्न टू द पेशेंट दिस शुड बी पीरियोडिकली रिपीटेड एट लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोटल तो मर मर जाएंगे, जब लिम्फोसाइट्स मर जाएंगे, जब तो फिर न्यू सेल्स वैसे ही प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे डेफिशिएंट ऑफ दैट एंजाइम एंड इवेंचुअली थोड़ी देर के लिए ये सब ठीक होगा परमानेंटली नहीं होगा तो एक महीने के बाद या कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद उसको दोबारा ये सब क्या करना पड़ेगा रिपीट करना पड़ेगा if ada genes from marrow cells is introduced into the cells at early embryonic stage it could be permanently cured lekin embryonic stage ke andar bacche ko kya disease hai ye hame kaise pata chalega jab tak hum diagnosis nahi karwayenge to in some cases अगर हमें कोई सस्पेक्शन है अगर कोई चांस है कि हमें लगता है कि ये बच्चा डिफेक्टेड हो सकता है तो फिर we should get it tested. Next is convectional methods, that is serum and urine analysis, are not suitable for early diagnosis of the diseases. It is possible by techniques like recombinant DNA technology, PCR and ELISA. So sometimes we have to uh diseases Show PCR and say hi ho sakti these are the recombinant DNA technologies. ये सारी मतलब बायोटेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं सो दीज आर हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग एंड डायग्नोसिंग द यस सो सबसे पहले स्टूडेंट वी आर हैविंग द पीसीआर दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली बेस्ड ऑन द सिम्टम्स बाय दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी

A single-stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule that is probe is hybridized to its complementary DNA in a clone of a cells. It is then followed by detection using the autoradiography. Then the clone having mutated gene will not appear on the photographic film because the probe will not have complementary with the mutated gene. अगर वो प्रोब कर गया किसी भी टाइप से एम्पलीफाई कर गया मतलब डिसीज है अगर नहीं किया तो डिसीज नहीं है सो इन दिस वे वी कैन चेक अप द अगर एक भी प्रोब हमें मिला तो उसकी एम्पलीफिकेशन हो जाएगी एंड हमें पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो था वो डिसीज था लेकिन अगर नहीं हुआ तो तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है डिसीज देन एट लास्ट वीर हैविंग द मॉलिक्युलर डायग्नोसिस दैट इज अलाइजा क्या होगा की कि अगर किसी पर्सन के अंदर एच आई वी है तो वो एच आई वी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी हमारी बॉडी एंडग्नोज दैट डिजीज

बेसिकली स्टूडेंट्स बेनिफिट क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के हम स्टडी कर सकते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन्स क्योंकि माइस है माइस का जो भी फिजियोलॉजी है मेटाबॉलिज्म है दैट इज वेरी क्लोजली रिजेंबलिंग द ह्यूमन बींगस सो इन दिस केस ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू स्टडी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डिवेलमेंट ऑफ अ डिसीज द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स द वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग द केमिकल सेफ्टी टेक्सिंग टेस्टिंग दैट इज द टॉक्सिसिटी टेस्टिंग तो ये सारे टेस्टिंग करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए वी कैन यूज द ट्रांसजेनिक एनिमल्स so first of all to study the regulation of gene how can we study the genes in normal physiology and development for example study of complex factors such as insulin like growth factor gene from other species are taken that alter the formation of this factor बायोलॉजिकल मतलब स्टडीज कि कोई भी एक फैक्टर के ऊपर उस एनिमल के ऊपर उस ऑर्गेनिजम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं दिस गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर जैसे की ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है आई जी एफ

चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ट्रांस ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स व्हिच कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ह्यूमन प्रोटीन दैट इज अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम्फीसीमा प्रोडक्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल किटो यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस सो दीज आर दायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हम यूज कर सकते हैं

नेचुरल काउ मिल्क तो हमने रोजी को क्या कर दिया ट्रांसजेनिकली चेंज कर दिया जिसकी वजह से वो ह्यूमन प्रोटीन को क्या करने लगी अपने मिल्क के अंदर सिंथेसाइज करने लगी एंड वो मिल्क के साथ ह्यूमन uh, प्रोटीन हमें भी हमारे अंदर भी क्या करने लग गया आने लग गया नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक माइस टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन इफ इट इज रिला कैन रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन सो so, धीरे धीरे करके हम माइस को माइस uh, के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कैरी करते हैं अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो हम बड़े नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स देर एक्सपोज टू दबस्टांसिस इफेक्ट आर स्टडी दिस गिवस द इमीडिएट रिजल्ट इन सम केसेस क्या है इम्यूनिटी कम करके या रेजिस्टेंस कम करके हम ये टेस्ट

तो हमें नहीं पता कि ये जीन की ऑल्ट्रेेशन करने में हमें फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है वी नेवर नो जस्ट थिंक सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकती है अगर कोई ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाई कोई वेजिटेबल या फ्रूट खा रहा है तो उसको भी नुकसान हो सकता है इस चीज का इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच मेक डिसीजंस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ दिस जीएम रिजल्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की सेफ्टी एंड टेस्टिंग करना जो है बीई ए के ऊपर पहले भी नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है सो यू हैटेंट दायोपायरेसी इट इज द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्राम कंट्रीज एंड द पीपल कंसर्न जैसे इंडिया की कोई चीज कोई बाहर यूज कर रहा है तो हमें डिस्कवरी कहाँ पे हुई डिस्कवरी हुई किसी और रीजन के अंदर बट यूसेज कहाँ पे हो रही है किसी और रीजन के अंदर सो दिस इज अ लीगल क्राइम सर्टेन कंपनीज गॉट पेशेंट पेटेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट मेक द यूज ऑफ जेनेटिक मटीरियल्स दैट एंड एंड फार्मर्स इंडिजिनियस पीपल ऑफ अ कंट्री फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस हर्बल मेडिसिन जो हमने इंडिया के अंदर डिस्कवर की एंड ये हमारा क्या है कोई भी देखो ये कोई हमारी स्टडी नहीं है जिससे हमें पता चला कि नीम यूजफुल है हल्दी यूजफुल है या कोई और चीज है जो यूजफुल है लेकिन ये क्या है हमारे ट्रेडिशन के अंदर है अगर हमारे ट्रेडिशन के अंदर कोई पर्सन आके और उसको बाहर करके क्या करे मार्केट करे मार्केट करे की इस चीज में मैंने डिस्कवरी की है सो दैट इज रॉन्ग दिस इज नोन एज बायोपिडेसी बासमती राइस हैज यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर India has 27 varieties of basmati. In 1997, an American company got patent rights on basmati rice through the US Patent and Trademark Office. This allowed the company to sell a new variety of basmati. This was actually derived from Indian farmers' variety. Indian basmati was crossed with the semi dwarf varieties and claimed as novelty. Other people selling basmati rice would be restricted by, restricted by patents. So, मतलब ये क्या हो गया कि डिस्कवरी किसी और ने की लेकिन यूसेज उसकी कोई और करे तो दिस इज अ ग्रेट आ, एथिकल इशू मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज इन बायोडाइवर्सिटी एंड द अंडर डिवेल्प वर्ल्ड है बायो रिसोर्सेज पर इसका जो बाहर वाले कंट्री वाले हैं वो फायदा उठाते हैं तो इट हैज टू डिवेलप लॉस टू प्रिवेंट अनऑर्थ अनऑर्थनाइज

जिसके अंडर हमें पता चल जाता है कि कोई भी चीज किसी से, से चुराई नहीं जा सकती जो चीज जिसने डिस्कवर की है उस चीज का वही पर्सन यूज कर सकता है सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर द इंडियन पार्लियामेंट बिल एंड वॉट इज रिटन इन दैट बिल ओके स्टूडेंट्स सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर विद दिस वी हैव कम्पलीटेड वन मोर यूनिट

वो भी समझ आ जाए बिकॉज इकोलॉजी एक दूसरे से लिंक्ड रहती है जिससे रिस्क uh, हो सकता है प्रॉपरली uh, समझ आने का क्योंकि चीजें क्या है कॉन्टीन्यूटी में रहती है लिंक रहती है सो so, मैं आपको चारों चैप्टर्स करवा रही हूँ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर स्टार्टिंग विद द इकोलॉजी ओके स्टूडेंट्स टिल देन थैंक यू एंड हैव अ स्टे